Hello students, how are you? Today we will do our chapter number 11 and 12. First piece, we will start our chapter number 11. It is about trees of India. Okay, our first question is a dash tree in the Acharya Jagdish Chandra Bose Indian Botanic Garden near Kolkata is believed to be over 200 years old. कि ट्री है ये आचार्य जगदीश चंद्र बोस जो इंडियन बॉटनिकल गार्डन है कोलकाता में वहाँ पर है ये और ये 200 साल पुराना पेड़ है. तो ये कौन सा पेड़ है? बनियन. कौन सा ट्री है? ये बनियन का ट्री है. सेकंड क्वेश्चन, गौतम बुद्ध मेडिटेटेड अंडर ए डैश ट्री एंड बिकेम बोधि और द इनलाइटेड वन. कि गौतम बुद्ध ने इस पेड़ के नीचे मेडिटेशन किया था, ध्यान लगाया था और उनको यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति मतलब कि बोधित्व की प्राप्ति हुई थी. ये कौन सा पेड़ था? पीपल ट्री. नेक्स्ट है, डैश इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया. ये तो सब बच्चों को ही पता है कि हमारा नेशनल फ्रूट कौन सा है, हमारे देश का मैंगो. नंबर फोर क्वेश्चन इज, डैश आर एवरग्रीन कॉनिफर्स विद नीडल शेप लीव्स एंड आर नेटिव प्राइमरली टू नॉर्दर्न टेम्परेट रीजन्स. कि ये जो एवरग्रीन सदाबहार जो पेड़ होते हैं ये कहाँ पर है? नीडल शेप लीव्स हैं जिसकी ये नॉर्दर्न टेम्परेट रीजन्स में पाए जाते हैं, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं. और ये कहाँ पर है? ये कौन से ट्रीज हैं? पाइन्स ट्री. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया. कि ये ऑस्ट्रेलिया का मेन है, न्यू गोयना एंड द पार्ट ऑफ द इंडोनेशिया. ये ऑस्ट्रेलिया से, न्यू गोयना से और इंडोनेशिया का पार्ट है. डैश ट्री इज़ फेमस फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड टिम्बर. इसका हम किसके लिए यूज़ करते हैं? ऑयल और टिम्बर के लिए इस पेड़ का यूज़ करते हैं. तो ये कौन सा है? यूकेलिप्टस. नेक्स्ट क्वेश्चन, केरला लिटरेरी मीन्स द लैंड ऑफ डैश ट्रीज. अपार्ट फ्रॉम इट इज एडिबल फ्रूट. द डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रीज आर यूज टू मेक कॉयर, बास्केट, लैडल्स, ऑयल्स एक्सेट्रा. कि केरला को इस ट्रीज की लैंड कहा जाता है और ये क्या है? खाने वाला फ्रूट है. और क्या है ये? इसके इसके जो इससे हम क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी बनाते हैं, जैसे बास्केट बनाते हैं, लैडल्स बनाते हैं, ऑयल बनाने का काम करते हैं. तो ये कौन सा ट्री है? कोकोनट ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, डैश ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड मरगोसा. कि मरगोसा कौन सी ट्री को कहा जाता है? नीम ट्री को. नीम ट्री की क्या है? मेडिकल भी प्रॉपर्टीज़ हैं. इसका हम क्या करते हैं? दवाई के रूप में भी हम इसका यूज़ करते हैं. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ट्री इज फाउंड इन सेंट्रल एंड नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. इट्स फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड लीव्स आर एडिबल. कि ये जो फ्रूट है, ये जो पेड़ है, ये सेंट्रल मतलब कि जो मध्य भारत हमारा है या उत्तरी मैदानों में पाया जाता है. तो इसके जो फ्लावर्स हैं, इस पेड़ के जो फ्लावर्स हैं, फ्रूट हैं और लीव हैं, ये हम खाने योग्य हैं. ये कौन सा ट्री है? महुआ ट्रीज. ठीक है. अवर नेक्स्ट लेसन, इंटरेस्टिंग ट्री. इसमें हमें वर्ल्ड के जो पूरे पेड़ हैं उनके बारे में नॉलेज दी गई है. हमारा फर्स्ट पेड़ है, फर्स्ट ट्री है डोडा एलेडा मारा. कि ये जो ट्री है इसको हम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ बिग बनियन ट्री. इट इज़ 400 ईयर ओल्ड बनियन ट्री लोकेटेड नियर बेंगलुरु. कि ये जो ट्री है ये बड़ा बरगद का पेड़ है और ये 400 साल पुराना है और ये बेंगलोर के पास है. और इस ये द पूरे वर्ल्ड में ये सबसे बिगेस्ट ट्री माना जाता है, बिगेस्ट बनियन का ट्री माना जाता है. और इसकी जो रूट्स हैं, इसकी हजारों क्या हैं, इसकी जड़ें हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर सेकंड इज द जेंट विस्टीरिया ऑफ जापान. ये जो ट्री है, ये जो विस्टीरिया, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है और इट हैज़ ब्यूटीफुल पर्पल फ्लावर्स. इसके क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? पर्पल कलर के होते हैं, जो क्या करते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं. और ये जापान में 150 ईयर्स ओल्ड माना जाता है. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रैगन ब्लड ट्रीज. ये जो ड्रैगन ब्लड ट्रीज हैं, ये इनको जब काटते हैं ना तो इसमें से क्या निकलता है? रेड कलर का सैप निकलता है, जूस निकलता है. तो वो मतलब कि क्या है? ए शॉकिंग ट्री दैट शेड्स ब्लड व्हेन इट कट. कि एक ऐसा पेड़ जिसको हम काटते हैं तो इसमें से क्या निकलता है? ब्लड निकलता है. और ये जो सैप हैज मेडिकेनियल एंड कलरिंग प्रॉपर्टीज. ठीक है ना. इसका मेडिकल दवाइयां वगैरह बनाने में और इसका यूज किया जाता है. अवर नेक्स्ट,
रेनबो यूकेलिप्टस ट्री, ये जो ट्रीज हैं ये इसके जो नीचे वाला पार्ट है जो नीचे की तरफ है जो जमीन में होता है वो क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। जो इनर बाक होती है इसकी, जो अंदर की जो छाल होती है ये क्या होती है, अलग अलग शेड्स की होती है, जैसे कि ब्लू, ऑरेंज, मैरून। जैसे कि अपने देखते हैं ब्लू, ऑरेंज, मैरून कलर की इसमें होता है, हमारे रेनबो में भी होता है ना। तो ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, ये वाले पेड़ कहाँ पे पाए जाते हैं, इंडोनेशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। तो इसी कारण इसको क्या कहते हैं, रेनबो यूकेलिप्टस ट्रीज। आवर नेक्स्ट फिफ्थ नंबर ट्री इज बेओबैब ट्री ऑफ मेडागास्कर की। दिस ट्रीज आर यूज विद अनयूजुअल मैसिव रेडिश सिलेंड्रिकल ट्रंक्स। इसकी जो ट्रंक्स होती हैं, इसका जो तना होता है ये क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता होते हैं, बहुत बड़े 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 पेड़ होते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी वेल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।